नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजन तिवारी और आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि पीडीएफ के थ्रू आप जेपीजी फाइल कैसे बना सकते हैं, मतलब हाउ टू कन्वर्ट पीडीएफ इनटू जेपीजी। क्योंकि क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि जैसे कोई स्कूल में आप पढ़ा रहे हो और आपने अपने बच्चों से कोई डॉक्यूमेंट्स बुलाए हैं और उन बच्चों ने वो डॉक्यूमेंट जो है पीडीएफ फॉर्म में सेंड किए हैं। अब उस पीडीएफ फॉर्म को आपको जेपीजी में कन्वर्ट करना है, तो वो किस प्रकार से करेंगे, यही इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। और ये प्रक्रिया मैं आपको मोबाइल के थ्रू बताऊंगा। देखिए, लैपटॉप के थ्रू तो बहुत आसान होता है, लेकिन मैं आपको मोबाइल के थ्रू बता रहा हूँ कि किस प्रकार से आप मोबाइल के थ्रू ये काम कर सकते हैं, पीडीएफ को जेपीजी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं हम हमारे मोबाइल स्क्रीन पर। तो चलिए इसके लिए चलते हैं हम सबसे पहले हमारे गूगल क्रोम पर। ये गूगल क्रोम है, इसको हमने ओपन किया देखिए इस टाइप से। अब यहाँ पर हम लिखेंगे doc translator। देखिए आ गए डॉक ट्रांसलेटर, इसको हम क्लिक करेंगे। ये इसका जो फर्स्ट है डॉक ट्रांसलेटर, इसी को आप क्लिक कर देंगे तो आप इस जगह पे पहुंच जाएंगे। यहाँ पे लिखा है देखिए कन्वर्ट पीडीएफ टू जेपीजी, लेकिन इसके पहले आप इसको डेस्कटॉप मोड पे सेट करेंगे। तो देखिए राइट हैंड टॉप के ऊपर 3 डॉट दिख रही है, उसको क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का कोई डिस्प्ले आएगा। यहाँ पे नीचे देखिए, आप जैसे स्क्रॉल करते जाओगे तो यहाँ डेस्कटॉप लिखा है, इस डेस्कटॉप को क्लिक कर दीजिए तो अभी पूरा मोबाइल जो है डेस्कटॉप की तरह बिहेव करने लगेगा। ठीक है, चलिए हम चलते हैं। यहाँ पे ये लिखा कन्वर्ट पीडीएफ टू जेपीजी, इसी को आपको क्लिक करना है। ये हमने क्लिक किया, देखिए यहाँ पे नीचे आ गया है। ये देखिए इसके दो टाइप है, एक तो कन्वर्ट पीडीएफ टू जेपीजी, कन्वर्ट मेनी पीडीएफ टू जेपीजी। यानी कि आप एक फाइल, अगर मान लीजिए किसी बच्चे ने आपको एक फाइल भेजी उसमें सारी चीज़ें उसमें दी है, तो आप फर्स्ट वाले को चूज़ करोगे, और अगर बहुत सारी फाइल दे रखी है उसको अलग अलग आपको पीडीएफ जेपीजी बनाना है तो आप दूसरे वाले को क्लिक करोगे। अभी मैं आपको दोनों ही बता रहा हूँ। फर्स्ट मैं आपको कन्वर्ट पीडीएफ यानी सिंगल पीडीएफ को जेपीजी में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो बता रहा हूँ। तो देखिए मैंने इसको क्लिक किया, ये क्लिक हो गया। अब नीचे देखिए, थोड़ा नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आएगा कि आप अपलोड करिए फाइल। ये फाइल अपलोड पे क्लिक करेंगे आप, तो यहाँ पे पूछ रहा कहाँ से करना है, तो हमको जाना है फाइल्स पे। ये फाइल्स पे गए, अब यहाँ पे आप चूज़ कर लीजिए डॉक्यूमेंट्स। ये डॉक्यूमेंट्स आ गए, ठीक है। अब ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो आपके मोबाइल में हैं, जो बच्चों ने भेजे, वो सारे चीज़ आपके पास यहाँ पर होगी। मैं किसी एक बच्चे के डॉक्यूमेंट्स को मैं चूज़ कर लेता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर इसको चूज़ कर लिया। अब देखिए यहाँ पे आ रहा है कि आप सारे जो इसमें जो जितने भी फ़ोटोज़ हैं वो सारी डाउनलोड करना है या कुछ डाउनलोड करना है। तो जाहिर है हमको सारी ही डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड करना होगा, तो हम क्या करेंगे कि डाउनलोड ऑल पेजेस एज इमेज, तो उसको हम क्लिक कर देंगे। ये हमने क्लिक किया, ये देखिए यहाँ पर आ गया ओपन। ओपन करेंगे, यहाँ पर फाइल्स लिखा आ रहा है तो फाइल्स को आप क्लिक कर देंगे। तो देखिए सारी चीज़ें आ गई, यहाँ पे आप सारी फाइल्स को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। तो एक्सट्रैक्ट पे आप क्लिक करेंगे, देखिए सारी आप जो फाइल थी पीडीएफ वो सारी जेपीजी में चेंज हो गई। अब इसको आप ओपन करके देख भी सकते हैं, देखिए ये सारी फाइल आपकी चेंज हो गई है। ठीक है, तो इस तरह से आप किसी भी एक फाइल में अगर बहुत सारी फ़ोटो रखी है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, तो आप उसको इस तरह से जेपीजी में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए अब मैं आपको ये बताता हूँ कि अगर बहुत सारी फाइल है, मतलब एक ही बच्चे ने बहुत सारी फाइल आपको सेंड कर दी है और उसकी सारी को जेपीजी एक साथ बनाना है आपको, तो आप दूसरे वाले ऑप्शन को चूज़ करेंगे कन्वर्ट मेनी पीडीएफ टू इमेज। इसको क्लिक किया, इसके बाद देखिए ये यहाँ पर आपको दिख रहा होगा अपलोड फाइल। यहाँ अपलोड फाइल पर जाएंगे और फाइल्स को क्लिक करेंगे। फाइल्स को क्लिक करने के बाद डॉक्यूमेंट्स को सेलेक्ट करेंगे, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आ गए। अब यहाँ पे देखिए जो एक एक सिंगल सिंगल फाइल, जैसे इस पर लिखा एडोब स्कैन, आप इन सभी को क्लिक कर सकते हैं, जितनी भी फाइल अलग अलग सेंड की है। ये अलग अलग फाइल जितनी भी सेंड की है आप इसको क्लिक कर सकते हैं। ये देखिए मैंने सारी फाइल सेलेक्ट कर ली, ठीक है। इसके बाद ये सेलेक्ट जो ऑप्शन है इसको क्लिक कर देंगे, ये सारी फाइल यहाँ पर आ चुकी। देखिए सारी जितनी फाइल मैंने अभी क्लिक की थी वो सारी फाइल यहाँ पे आ चुकी है। देखिए आगे आप जाओगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा कि कौन सी फाइल आपको अपलोड करना है। देखिए यहाँ पे लिखा है कि कौन सी फाइल को आपको डाउनलोड करना है, लेकिन आप तो पूरी फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप डाउनलोड ऑल इमेजेस लिखा, उसको आप क्लिक कर देंगे। ये आगे देखिए ओपन, जिप फाइल में होता है सभी कुछ। यहाँ पर ओपन करेंगे, फाइल्स में जाएंगे और ये सारी जिप फाइल में यहाँ पर आ चुकी है, तो आप यहाँ पर एक्सट्रैक्ट कर लीजिए। जैसे एक्सट्रैक्ट को क्लिक करेंगे तो सारी फाइल जो है वो आपका इमेज के फॉर्म में आ जाएगी। देखिए ये सारी इमेज के फॉर्म में यहाँ पे आ चुकी है, ये देखिए। ठीक है, इस तरह से आप सिंगल फाइल को भी कर सकते हैं और अगर बहुत सारी फाइल एक साथ करना है तो वो भी कर सकते हैं। ये देखिए आपको सारी फाइलें मिल जाएगी, जितनी भी उसमें डली हुई सारी फाइलें आ जाएगी। तो आप यहाँ पर एक ही अगर पीडीएफ में
आठ से दस या कितनी भी फाइलें हों वो भी आप जेपीजी में चेंज कर सकते हैं, और अलग अलग अगर पीडीएफ है उनको अगर जेपीजी में चेंज करना है तो वो भी आप कर सकते हो। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल ज्योतिष मंत्र को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नए विषय के साथ, तब तक आप रहिए खुश और मुझे दीजिए आज्ञा। जय हिंद।